मनोज मित्र एकजन प्रख्यात बांगला चलचित्र एवं नाट्य अभिनेता एछाड़ाओ तिनि एकजन अध्यापक एवं सुदक्ष नाटक रचयिता। विख्यात नाट्य दल सुंदरम तार हाथेई लेखा एवं साजानो बागान नाटकटी तार अमर सृष्टि। तबे मनोज मित्र एखन चलचित्र नाटक दल छेड़े कोथाय रयेछेन एवं केमन रयेछेन जेने नेब सेई कथाई भिडियोर माध्यमे। सो गाइज भिडियोटिके शेष पर्यन्त देखुन एवं चैनलटिके सबस्क्राइब करे पाशे थाका बेल नोटिफिकेशनटी अन करे दिन। मनोज मित्र 1938 सालेर 22 डिसेम्बर ब्रिटिश भारतेर धूलिहर ग्रामे जन्मग्रहण करें। बाबा बुद्धदेव मित्र एकजन शिक्षक और माँ राधारानी मित्र एकजन गृहबधू। मनोज मित्ररा मोट 5 भाई बोन छिलेन, तार मध्ये तिनि सबचेये बड़। ग्रामेर विभिन्न नाटक एवं यात्रा देखे तार अभिनयेर प्रति आग्रह जन्माय। एरपर कलेजे पढ़ार समय तिनि गल्प लेखा शुरू करें। तखनकार नामकरा पत्रिका मासिक बसुमती और मंदिराते तिनि नियमित गल्प लिखतें। दिए 1957 साले तिनि सुंदरम नामक एक नाटकेर दल गठन करें। सेखाने तिनि पथेर पाँचाली और सीरी नाटके अभिनय करें और एखान थेकेई तिनि मृत्युर चोखे जल नाटकटी रचयिता करेछिलेन। एरपर तिनि गंधर्व नामेर आरेकटी नाटकेर दले अभिनय करा शुरू करें। तारपर आबार फिरे आसें सुंदरमे। एसबेर पाशापाशी तिनि एकटी कलेजे अध्यापनाओ करातें। तबे परवर्तीकाले तिनि अध्यापना छेड़े दिए रीतायन नामेर एकटी नाटकेर दल खोलें। सेखाने तारी लेखा नाटके अभिनय करा हतो। सेई समय तार लेखा नीला, लघुगुरु, नेकड़े इत्यादि आरो नाटक अभिनय करा हतो, किन्तु 1970 साले दलटी बंद करे देওয়া হয়। तारपर सुंदरम दलटीও बंद हो जाए। 1975 साले तिनि आबारो सुंदरम दलटीके चालू करें। एरपर 1977 सालेर 5 एप्रिल तार कालजयी नाटक साजानो बागान अवनमहले प्रथम अभिनीत हय। तबे नाटकटिर मंचायन तार पछन्द ना हय, तिनि आबारो नतुन करे नाटकटी लेखें और नाटकटी द्वितीयबार अनुष्ठित हय। এই নাটকটি সেই সময়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। 1980 সালে তপন সিনহা এই নাটকটি অবলম্বনে তৈরি করেন বাঞ্ছারামের বাগান। আর এই ছবিতে মনোজ মিত্রই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। এটি ছিল তার অভিনীত প্রথম সিনেমা। সিনেমাটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল। তারপর মনোজ মিত্র বহু ছবিতে কাজ করেছেন, তার মধ্যে ঘরে বাইরে, রাখি পূর্ণিমা, মধুমালতি, ময়না তদন্ত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে বর্তমানে ৮৩ বছর বয়সে মনোজ মিত্রের শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। এখন তিনি রয়েছেন তার কলকাতার বাড়িতে। বেশি চলাফেরা ওঠানামা করতেই পারেন না। শারীরিক অবস্থার কারণে তিনি বিভিন্ন একাডেমিক নাট্যদল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। সো গাইস, এই ছিল মনোজ মিত্রের জীবন কাহিনী।